नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से पूरी मुंबई में ड्रग्स को लेकर छापेमारी की जा रही है, जिसका सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे में बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हैं। एनसीबी की मुंबई और गोवा शाखा के जोनल डायरेक्टर समीर बानखेड़े ने बताया, पिछले 3 महीने में ड्रग्स के अभी तक 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 92 लोगों की गिरफ्तारी अब तक मुंबई पुलिस ने की है। आपको बता दें कि 14 जून 2020 के दिन बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जैसे ही ये घटना घटी, उसके कुछ दिन बाद ही सुशांत के परिवार ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर पैसे ऐंठने, ड्रग लेने और सुशांत को यूज करने जैसे आरोप लगाए। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में ड्रग एंगल की एंट्री होने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ समय बाद कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत पर छोड़ दिया था, लेकिन ड्रग कनेक्शन की जांच केवल रिया चक्रवर्ती पर ही नहीं रुकी। जैसे जैसे इस मामले में कड़ियां जुड़ती गईं, वैसे वैसे ही मुंबई में ड्रग माफियाओं के जाल की परखें खुलती चली गईं। अभी तक सुशांत मामले के बाद एनसीबी में दर्ज हुए 30 मामलों में 92 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एनसीबी द्वारा न केवल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई, बल्कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, कॉमेडियन भारती सिंह, अर्जुन रामपाल सरीखे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से भी पूछताछ की गई है। वहीं पिछले सालों में की गई कार्रवाइयों से तुलना करें तो साल 2020 में काफी अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। जैसे कि साल 2016 में एनसीबी द्वारा 23 मामले दर्ज किए गए और मात्र 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं एनसीबी द्वारा साल 2017 में 30 मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 38 आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई। इसी प्रकार साल 2018 में एनसीबी द्वारा 25 मामले दर्ज किए गए और 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साल 2019 में एनसीबी द्वारा 35 मामले दर्ज किए गए और 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।